आज के इस वीडियो में हम जापान द्वारा इंडिया में की जा रही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में ही जानेंगे कि कितनी जापानीज इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और कौन कौन से सेक्टर्स में। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन इन्वेस्टमेंट से इंडिया को फायदा होगा, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों जापान इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है इंडिया पर, और किसी और कंट्री को क्यों नहीं चुना जापान ने। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जापान इतना इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों, कैसे और कहां पर इंडिया में कर रहा है, ये जानने से पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा। इंडिया के इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वो टाइम था जब जापान का ओवरसीज डेवलपमेंट दुनिया तक पहुंचना शुरू हो रहा था। जापान उस समय एक तरह से लोन दे रहा था कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, और बाद में ये कंट्रीज उन्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करती। उन पैसों से ये देश काफी अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर रहे थे, और उस समय जापान को ऐसी कंट्रीज की तलाश थी जिसको वो लोन दे सके और वो कंट्री उन्हें पैसे वापस कर सके। इंडिया की हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया को पूरी तरह से लूट लिया था। इंडिया डेवलपमेंट एड का सबसे पहला रिसीवर बना। ये कहा जा सकता है कि तब से लेकर अब तक इंडिया जापान के डेवलपमेंट एड्स का ना सिर्फ सबसे ओल्डेस्ट बल्कि लार्जेस्ट रिसीवर भी रहा है। 1985 के टाइम पे 1800 मिलियन येन जापान से एज लोन प्रोवाइड किया गया था। इसे हमें लॉन्ग टर्म में काफी कम इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाना था। उस समय पर शिप बिल्डिंग, माइनिंग, पावर जनरेशन, टेलीकॉम्युनिकेशन और स्टील प्रोडक्शन जैसे कुछ सेक्टर्स थे जिनमें इस लोन का सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। उस समय एक तरह से इंडिया और जापान के अच्छे रिलेशंस शुरू हो गए थे। आगे जाकर और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई इंडिया के लिए जिसने इन दोनों ही कंट्रीज के रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी 1990s में, जब इंडिया की हालत काफी बुरी हो चुकी थी क्योंकि उस समय काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया देख रहा था। उस समय में सरकार का लाइसेंस राज चलता था जिसका लॉन्ग रन में इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा। उस समय पर जापान की तरफ से काफी बड़ी मदद इंडिया को मिली थी। उस टाइम में इंडिया को जापान ने $300 मिलियन दिए थे जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। इसके साथ ही दोनों कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशनशिप्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हुए, और उसके बाद उनके बीच एक के बाद एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश होने लगी। इनमें से ईयर 2014 की इकोनॉमिक पार्टनरशिप काफी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि दुनिया में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमिक पार्टनरशिप में से एक है। इसको इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मेन टारगेट्स रखे गए थे जिसमें सबसे पहला था कि हर 5 साल में जापान के FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को डबल किया जाएगा। साथ ही जो जापानीज कंपनीज इंडिया में काम करेंगी उनके नंबर को भी हर 5 साल में डबल किया जाएगा। अब तक जापान इंडिया के काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर चुका है। इंडिया में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जापान की मदद से ही हो पाई थी, और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये पैसा सबसे ज्यादा जाता है, और अब ये और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर्स में भी जापान कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वाटर एनर्जी, इन सब में ही जापान शुरुआत से ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जापान सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही इतना पैसा दिए जा रहा है? इसका आंसर है नहीं। कुछ बड़े फर्म्स का ये भी क्लेम है कि जापान का इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ एक इकोनॉमिक बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है जिसके जरिए दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके। ये मैसेज ये है कि ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए है ताकि एशिया कॉन्टिनेंट में जापान बाकी कंट्रीज के मुकाबले एक पकड़ बना सके और उसे इस इन्वॉल्वमेंट से बेनिफिट हो। 1991 से 2001 एक ऐसा पीरियड था जहां पे जापान की इकोनॉमी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई थी, और इसको द लॉस्ट डेकेड भी कहा जाता है। इंडिया इस समय पर भी एक काफी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वो भी जापान की मदद फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल के साथ कर सकता है। ये चीज एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जापान में आज के टाइम पर यंग पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है। ऐसे में इन दोनों इकोनॉमिक जायंट्स के बीच एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है, और ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनमें जापान इंडिया की मदद कर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया की कैपिटल दिल्ली और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बीच में। ये आइडिया जापान के थ्रू आया था जब 2008 के टाइम पर जापान हमसे आयरन ओर इम्पोर्ट करवाया करता था।
लेकिन उस समय चाइना में ओलंपिक्स होने वाले थे। इस वजह से इंडिया को जापान को छोड़कर चाइना को एक्सपोर्ट करना पड़ा। इससे जापान काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था। जापान ने दूसरे तरीकों से आयरन ओर को लेने की कोशिश करी, पर उसे आयरन ओर नहीं मिल पा रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो काफी ज्यादा महंगे रेट्स पर। और इस वजह से जो जापान के इंडियन एम्बेसडर थे, उन्होंने कॉरिडोर बनाने का सोचा जो कि टोक्यो ओसाका कॉरिडोर के जैसा था, और यहीं से फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ साथ इसे काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया गया, और इसे आज हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट की। आप जानते ही होंगे कि मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन पर काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क चल रहा है। इसमें भी इंडिया जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जापानीज कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इनोवेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पॉवर्टी खत्म करने के लिए भी जापान का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इन सभी चीजों से इंडिया को उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी फायदा मिल रहा है। 2015 में जापान के पीएम ने जब इंडिया विजिट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि वो इंडिया को सबसे पहले विजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान और इंडिया का रिलेशनशिप ही एशिया के डायरेक्शन का फैसला करेगा। जापान ने मार्च 2022 में अनाउंस किया एक इन्वेस्टमेंट टारगेट 5 ट्रिलियन येन, यानी कि 3,20,000 करोड़ का, जो कि इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगा। ये तब हुआ था जब हाल ही में पीएम मोदी और जापानीज पीएम फुमियो किशिदा मिले थे। उन्होंने 6 अग्रीमेंट्स भी साइन किए जो प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन कई सारे डिफरेंट एरियाज में। इसी के साथ साथ एक सेपरेट क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की भी एग्रीमेंट हुई है। और अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की कि क्या आगे भी जापान और इंडिया के ऐसी पार्टनरशिप करके अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखेंगे, तो यस, हम आगे भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये रिलेशंस हमें चेंज होते हुए नजर आए। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।